हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा भी बताया जाता है कि अचानक आई हुई जांच को आपको वही जो आइडेंटिटी कार्ड है वो बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास दो डॉक्यूमेंट यानी कि दो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अगर सीएससी के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की बैंक यानी कि एक्सिस बैंक या इंडियन बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक कोई भी बैंक भी अलॉट की गई है, तो आपको उसका भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड करेंगे और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अपने सेंटर पे लगाएंगे। उससे पहले हमेशा की तरह चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहां पर आपको टाइप कर देना है register.csc.gov.in। लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको इस पॉपअप को क्लोज कर देना है और यहां पर माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सीएससी आईडी फिल कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन को चेक कर देना है। ये कैप्चर आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चर को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी फिंगरप्रिंट की डिवाइस है वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से अटैच होना चाहिए। अगर डिवाइस अटैच नहीं होगी तो ये प्रोसेस आगे का नहीं हो सकता। यहाँ पर देखेंगे हमारी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो यहाँ पर एक्सेस हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद में आप देखेंगे स्टार्ट कैप्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सीएससी संचालक है, जो एजेंट है, वो अपना थंबनेल जो है वो स्कैन कराएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने प्रोफाइल, केवाईसी अपडेट और लोकेशन और सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपनी आईडी को डाउनलोड करना है। तो आईडी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आइडेंटिटी कार्ड जो भी होगा वो आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीएलई आइडेंटिटी कार्ड आपके सामने शो हो रहा है, नाम शो हो जाएगा, सीएससी आईडी शो हो रही है, यहाँ पर कोशिक नेम, लोकेशन और आपका मोबाइल नंबर सारा शो हो जाएगा, आपका फोटो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। सर्टिफिकेट के लिए हमको फिर से बैक जाना है। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीएससी का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका एड्रेस और सीएससी सेंटर का जो भी नाम होगा, आपका फोटो, जो भी डिटेल्स होगी इस सर्टिफिकेट में आपके सामने शो हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं अगर आपके पास कोई भी बैंक अप्रूवल है तो बैंक के लिए आपको बैंक सीएससी बैंक मित्रा लिखकर सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखते हैं सीएससी बैंक मित्रा। जैसे ही बैंक मित्रा लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं सीएससी बैंकिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आईडी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और अपनी सीएससी आईडी एंड पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो आपकी सीएससी आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने पिन नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपको पिन कार्ड नंबर अपना यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आपका फोटो आ जाएगा और यहाँ पर जो सीएससी के सीईओ होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी बैंक होगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, बीसी का नेम यानी कि जो कैंडिडेट जिसके नाम से बीसी अलॉट हुई है उसका नाम, सीएससी आईडी से हो जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर से हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बैंक मित्रा का पोर्टल है वो भी सीएससी से खुलता है तो उसका भी यहाँ पर जो आईडी है वो शो हो जाता है। ब्रांच नाम यहाँ पर जो जिस ब्रांच से आपकी बीसी अलॉट होगी उस ब्रांच का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, लोकेशन भी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो भी प्रधानमंत्री जनधन द्वारा दी गई जो आपकी बैंक है उसका आइडेंटिटी कार्ड आपके पास शो हो जाता है। इसको भी प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।